वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी रीड अलॉन्ग एक्सरसाइज, और इसमें 11th क्लास के एनसीईआरटी में हम पढ़ रहे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो आप पेज नंबर 163 ओपन कर सकते हैं, और इसमें अब आज जो है हमें डिस्कस करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। यह है आर्टिकल 7.9, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव ऑलरेडी मेंशन दैट वी आर डेवलपिंग द स्टडी ऑफ रोटेशनल मोशन पैरेलल टू द स्टडी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन विद विच वी आर फैमिली। तो ट्रांसलेशनल मोशन में बच्चों जो रोल मास का हुआ करता था, मास जो रोल प्ले करता था रोटेशनल मोशन में, यानी मास क्या रोल प्ले करता था, टू अपोज, वो प्रोवाइड करता था इनर्शिया। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द बॉडी अपोजेस द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ऐसा हम कह सकते हैं। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा, यानी जड़त्व आघूर्ण, हिंदी में बोलते हैं इसको, इनर्शिया को कहते हैं जड़त्व। जो भी जड़ चीजें हैं वो क्या प्रस्तुत करती हैं, क्या प्रेजेंट करती हैं, क्या रिप्रेजेंट करती हैं, जड़त्व। जड़ चीजें जैसे टेबल, कुर्सी, लैपटॉप, ये सब क्या है, जड़ है, इनमें जान नहीं है, निर्जीव है। तो लैपटॉप को बुरा नहीं लग सकता है ना, आपकी टेबल बुरा नहीं मान सकती, चाहे आप उसको पीटें वो बुरा नहीं मानेगी। ओके, तो जड़त्व से बनता है जड़, जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, अगर रोटेशनल एनालॉग पे जाएंगे तो वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसके बारे में हमें जानना है जो किसी ऑब्जेक्ट की रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट को, उसमें चेंज को अपोज करता है। वी हैव येट टू आंसर वन मेजर क्वेश्चन इन दिस कनेक्शन, व्हाट इज द एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन। वी शैल अटेम्प्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द प्रेजेंट सेक्शन टू कीप द डिस्कशन सिंपल। वी शैल कंसिडर रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस ओनली। लेट अस ट्राई टू गेट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी, घूमती हुई बॉडी जैसे अर्थ। वी नो दैट फॉर ए बॉडी रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन ए सर्कल विद लीनियर वेलोसिटी गिवन बाय इक्वेशन 7.19, रेफर टू फिगर 7.16। फॉर ए पार्टिकल एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस द लीनियर वेलोसिटी इज वी आई इक्वल टू आर आई ओमेगा। बच्चों सीख चुके हैं हम लोग, है ना, वी इक्वल टू आर ओमेगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोशन ऑफ दिस पार्टिकल इज हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हम जानते हैं। अब यहाँ वी की जगह मैं लिख दूं अगर आर आई ओमेगा वी आई की जगह, तो आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ये मिल जाता है। फिर एम आई इज द मास ऑफ द पार्टिकल, द टोटल काइनेटिक एनर्जी कैपिटल के ऑफ द बॉडी इज देन गिवन बाय द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ठीक है, हर एक पार्टिकल की इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी का एडिशन कर देंगे, सम कर देंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो कैपिटल के से हमने उसको दिखाया सिग्मा के आई, आई इक्वल टू 1 टू एन इक्वल टू हाफ टाइम्स सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द बॉडी, टोटल पार्टिकल हो गए। नोट ओमेगा इज द सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स, हेंस क्योंकि एंगल तो सबका सेम अमाउंट से चेंज होगा, आर पर डिपेंड नहीं करता, उसकी पोजिशन पर डिपेंड नहीं करता। Hence, taking omega out of the sum, omega को हमने बाहर निकाल लिया। अब ये जो quantity बच गई, sigma mi ri square, we define a new parameter characterizing the rigid body called the moment of inertia i given by, इसी को हम कहते हैं i। तो यहां से हमने लिंक किया moment of inertia i को। So i equal to sigma mi ri square, i equal to 1 to n, with this definition, ये जो काइनेटिक एनर्जी के वो हो जाती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब इसको सीधे सीधे हम कंपेयर कर सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर से, तो एम की जगह जो रोल प्ले कर रहा है रोटेशनल मोशन में वो है आई। नोट दैट द पैरामीटर आई इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा पर डिपेंड नहीं करता है। इट इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ द रिजिड बॉडी, उसका निजी गुण है, एंड द एक्सिस अबाउट विच इट रोटेट्स। तो दो ही बातों पर डिपेंड करेगा, रिजिड बॉडी यानी उसका मास बड़ी है छोटी है, और किस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे, यानी मास का डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कंपेयर इक्वेशन 7.35 फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी विद द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इन
लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन, हाफ एम वी स्क्वायर से अगर कंपेयर करेंगे. हियर एम इज द मास ऑफ द बॉडी एंड वी इज इट्स वेलोसिटी. वी हैव ऑलरेडी नोटेड द एनालॉजी बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस एंड लीनियर वेलोसिटी वी इन रिस्पेक्ट ऑफ लीनियर मोशन. इट इज देन एविडेंट दैट द पैरामीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज द डिजायर्ड रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास. इन रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज ए सिमिलर रोल एज मास डज इन लीनियर मोशन. तो सीधी सीधी समझ में आ रही बात. वी नाउ अप्लाई द डेफिनेशन इक्वेशन 7.34 टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टू सिंपल केसेस. पहला, कंसिडर करो एक थिन रिंग है, रेडियस कैपिटल आर है, मास कैपिटल एम है, और वो रोटेट कर रही है अपने ओन प्लेन. ओन प्लेन क्या होता है, ये जब भी टर्म आएंगे ओन प्लेन, तो वो प्लेन माना जाता है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू इट सेंटर, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाला और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर अराउंड इट्स सेंटर विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ईच मास एलिमेंट ऑफ द रिंग इज एट डिस्टेंस कैपिटल आर फ्रॉम द एक्सिस एंड मूव्स विद स्पीड आर ओमेगा. द काइनेटिक एनर्जी इज देयरफॉर, अगर आप विजुलाइज कर पा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे मैं बनाकर दिखाता हूं. रिंग यानी साइकिल का पहिया, उसका रिम, ठीक है, साइकिल का पहिया उसका रिम, रिम की बात कर रहे हैं हम खाली रिंग में. तो सारा का सारा मास कितनी दूरी पर है, सारा का सारा मास आर दूरी पर है, ऐसे समझेंगे बच्चों, सारा का सारा मास आर दूरी पर है. तो ये जो रिंग है एक्सेस जा रहा है सेंटर से, इस तरह से जा रहा है, इसको कहते हैं रिंग का ओन एक्सेस. इसके अबाउट हम इसको घुमा रहे हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से. तो कोई भी पॉइंट मास एम आई, एम वन, एम टू, एम थ्री जो लेंगे हम, उसके डिस्टेंस एक्सेस ऑफ रोटेशन से आर होगी, ये बता रहे हैं. और हर एक पार्टिकल की एंगुलर स्पीड ओमेगा होगी. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर को मैं हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि वी हर एक पार्टिकल के लिए ओमेगा आर है. अब इस सिचुएशन को हम कंपेयर करते हैं और आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो रिंग के लिए हमें क्या मिल जाता है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर मिल जाता है, क्योंकि आई की जगह क्या आ रहा है यहां पर, एम आर स्क्वायर आ रहा है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, फिगर 7.28 देखिए. लाइट रॉड, एक हल्की रॉड है ऑफ लेंथ एल विद ए पेयर ऑफ मासेस, यानी रॉड का मास नेग्लिजिबल है पर दो मासेस हैं m by 2 अटैच्ड हैं. रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, द टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज m. नेक्स्ट, टेक ए रिजिड मासलेस रॉड ऑफ लेंथ एल विद ए पेयर ऑफ स्मॉल मासेस रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस through the center of mass perpendicular to the rod. Each mass m by 2 is at a distance l by 2 from the axis. Moment of inertia of the masses mr square formula se m by 2 into l by 2 ka square plus m by 2 into l by 2 ka square. Thus for the pair of masses rotating about the axis through the center of mass perpendicular to the rod I equal to ml square by 4. Ye tha 1 by 8, ye bhi 1 by 8, to 1 by 4. Table 7.1 gives the moment of inertia of various familiar regular shaped solids about specific axis as the mass of a body. Table 7.1 दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है. इसमें क्या है कि डायरेक्ट वैल्यूज लिखे हुए मिलेंगे हमको, और वैसे जो है हम इसको डिराइव कर सकते हैं, है ना, हर एक इस वैल्यू को जो लिखा हुआ है, जैसे रिंग का एम आर स्क्वायर, क्योंकि सारा का सारा मास आर डिस्टेंस पर है. डायमीटर के अबाउट लेंगे तो अभी सीखेंगे हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर, जो हर एग्जाम में आता ही आता है, चाहे कंपटीशन हो चाहे स्कूल एग्जाम हो. तो एम आर स्क्वायर बाय 2 हो जाता है, थिन रॉड है तो एम एल स्क्वायर बाय 12. ये बच्चों जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो सब हमको रट जाते हैं फॉर्मूले की तरह, और सिमेट्री यूज करके हम पता भी कर सकते हैं. जैसे रिंग के लिए पता है तो हॉलो सिलेंडर के लिए निकाल सकते हैं, डिस्क के लिए पता है तो, जैसे ककड़ी काटते हैं आप तो वो डिस्क बनती है, ककड़ी का हर एक गट्टा गोल. तो
डिस्क के लिए पता है तो हम सॉलिड सिलेंडर के लिए निकाल सकते हैं एंड सो ऑन, अलग अलग एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस लगाकर। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज रहेगी। टेबल 7.1 में डायरेक्ट वैल्यूज हैं और जैसे मैंने बोला रट जाती हैं क्योंकि हम इतने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये सब हमको याद हो जाती हैं। एज अ मेजर ऑफ द वे इन विच द मास ऑफ ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, उस पर डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। वी कैन डिफाइन ए न्यू पैरामीटर द रेडियस ऑफ जायरेशन। ये एक नई टर्म आ गई बच्चों, इसको समझ लो। जायरेशन का मतलब क्या होता है? कई लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते, बोलते गायरेशन। इट इज नॉट गायरेशन, इट इज जायरेशन, जायरेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है? इट इज रिलेटेड टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द टोटल मास ऑफ द बॉडी, उसे रिलेट कर सकते हैं। नोटिस फ्रॉम टेबल 7.1 दैट इन ऑल केसेस वी कैन राइट आई इक्वल टू एम के स्क्वेयर वेयर के हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, गुणन त्रिज्या है, फॉर ए रॉड अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस एट इट्स मिड पॉइंट के स्क्वेयर इक्वल टू एल स्क्वेयर बाई 12। कैसे आया? रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस ML स्क्वायर बाय 12। अब क्योंकि ये MK स्क्वायर के बराबर होना चाहिए तो यहां से कंपेयर करने पर K स्क्वायर की वैल्यू मुझे सीधे सीधे मिलती है L स्क्वायर बाय 12। ऐसे है, और यहां से मैं K निकाल सकता हूँ, K इक्वल टू आ गया L बाय रूट 12, ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से k इक्वल टू r बाय 2 फॉर द सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 होता है। द लेंथ k इज अ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन। द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ए मास पॉइंट हुज मास इज इक्वल टू द मास ऑफ द होल बॉडी। ऐसा मान लीजिए उस बॉडी का पूरा मास अगर हम किसी पॉइंट पर सेंटर्ड मान सकते हैं तो उस पॉइंट की एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होगी उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन। दस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी, इट्स शेप एंड साइज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये आपको तैयार करना है एंड द पोजिशन एंड ऑरियंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इससे इस कंसेप्ट मतलब ये कंसेप्ट है, इससे कई तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी रिजिड बॉडी पर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? पहला फैक्टर है मास ऑफ द बॉडी, उसका शेप साइज, मास का डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, पोजिशन एंड ऑरियंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फ्रॉम द डेफिनेशन इक्वेशन 7.34 वी कैन इन्फर दैट द डायमेंशंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ML2, MK स्क्वायर तो ML2 and SI unit kilogram meter square. The property of this extremely important quantity I as a measure of rotational inertia of the body has been put to a great practical use. The machines such as steam engine and the automobile engine, जो गाड़ियों में लगा हुआ आपके petrol engine, diesel engine, etc. that produce rotational motion, जो piston का reciprocating motion होता है, ट्रांसलेटिंग मोशन, उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम क्रैंकशाफ्ट की मदद से रोटेशनल मोशन में। हैव अ डिस्क विद विद अ लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉल्ड ए फ्लाईव्हील। इन सभी में फ्लाईव्हील होता है बच्चों, इस टर्म पे गौर करें। फ्लाईव्हील 12th में जब आप पढ़ेंगे कैपेसिटर तो मैं वहां पर आपको बोलूंगा कि भाई कैपेसिटर का जो मैकेनिकल एनालॉग है वो है फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील वो भारी सा चक्का जो बजाज स्कूटर में किक के पास लगा होता है, किक जब आप लगाते हैं तो एक चक्का घूमता है उसके अंदर। हर उस मशीन में, मशीन वर्ड बोलते ही थ्री इडियट का सीन सामने घूम जाता है, व्हाट इज अ मशीन। हर एक मशीन में जहां मोशन को यूनिफॉर्म बनाना चाहते हैं, मोशन में यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं, सोचिए साइकिल ऐसे चलती, जब आपने पैडल मारा
तब चल जाती, पैडल रोकते ही एकदम तुरंत से रुक जाती, ऐसा नहीं होता है ना, थोड़ा टाइम लगता है रुकने में, चलने में भी थोड़ा जोर लगता है, इट इज बिकॉज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो मोशन में यूनिफॉर्मिटी ज्यादा आएगी, एकदम से नहीं रुकेगा ऑब्जेक्ट, एकदम से नहीं चलेगा, यूनिफॉर्मिटी रहेगी। जैसे फोर स्ट्रोक इंजन जो होता है बच्चों, फोर स्ट्रोक इंजन में चार में से सिर्फ एक स्ट्रोक के दौरान पावर मिलती है, बाकी तीन स्ट्रोक आइडल होते हैं, फिर भी मोटरसाइकिल जिसमें फोर स्ट्रोक इंजन लगा है ऐसा नहीं चलती, एक बार धक्का लग गया पावर स्ट्रोक आया तो फिर तीन स्ट्रोक तक धीरे धीरे चल रही है, फिर धक्का लग गया पावर स्ट्रोक आया तो फिर तीन स्ट्रोक तक धीरे धीरे, ऐसा नहीं, बिकॉज उसमें क्या है, फ्लाई व्हील। जब ज्यादा एनर्जी आती है तो फ्लाई व्हील अपने पास स्टोर कर लेता है, धक्का लगता है नहीं पावर स्ट्रोक के दौरान, और बाकी तीन आइडल स्ट्रोक के दौरान ही अपने पास से एनर्जी रिलीज करके मोशन को यूनिफॉर्म बनाता है। बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया द फ्लाई व्हील रेजिस्ट द सडन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द स्पीड ऑफ द व्हीकल, इट अलाउज ए ग्रेजुअल चेंज इन द स्पीड एंड प्रिवेंट्स जर्की मोशंस, देयर बाय एंश्योरिंग ए स्मूथ राइड फॉर द पैसेंजर्स ऑन द व्हीकल। मैं समझता हूँ आप सभी ने, एक कार आती है स्पाइडरमैन बोलते, स्पाइडरमैन कार, एक तरफ से लाल एक तरफ से काली, वो चलाई होगी बचपन में, अच्छा खिलौना है बच्चों, ऐसे कई खिलौने होते थे जिनको खोलो बाद में तो एक भारी सी चक्री निकलती थी, वो भारी सी चक्री फ्लाई व्हील है, उस कार को तीन चार बार आप रगड़ कर छोड़ दो, है ना, उस कार को आप, एक तो होती पुल बैक वाली, पीछे आपने खींचे फिर छोड़ दो आगे भागे, ये ऐसे थी, तीन चार बार आगे की तरफ रगड़ा आपने और उसके अंदर वो जो फ्लाई व्हील है वो मोशन में आ जाता है, अब आप छोड़ोगे क्योंकि उसने एनर्जी स्टोर कर लिया तो वो अपने आप आगे भागते, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझा, इसमें इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस डील करेंगे, डिराइव भी करेंगे उनको। टिल देन हैप्पी लर्निंग।